मानक के विपरीत है, क्या है मामला? जो पाइपलाइन छोटी गलियों में पड़ रही है वही पाइपलाइन मेन गली में पड़ रही है हम लोगों की, ये शिकायत है हम लोगों की प्रशासन से। एक्सीएन साहब से बताया कि इसको बड़ा करवाइए तो वो कह रहे हैं हमारे मानक में नहीं आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है, मानक में आना चाहिए उनके हिसाब से। तो कम से कम 100 गली, इधर 50 गली है, 50 गलियों का पानी उस मेन गली में जाके मिल रहा है, तो वो गली तो नहीं रही, वो मेन रोड हो गया। अच्छा, इसकी आप लोगों ने शिकायत की थी? हाँ, इसकी हमने एसडीएम साहब से शिकायत की थी। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या प्लान बना रहे हैं, काम शुरू होगा कि इसी पे या अभी रोके रखेंगे? नहीं, काम जो हिसाब से हम लोग बता रहे हैं, जो हम लोगों की मांग है, बड़ा पाइप पड़ना चाहिए उसमें जिससे पानी ले। भारत सरकार का जो सीवरेज का मैनुअल है उसमें 150 mm का पाइप डाला जाता था, लेकिन हमने ये स्कीम जो है 200 mm पर बनाई है। इस मामले में एटा जो है अन्य शहरों के मुकाबले बहुत बड़ा सौभाग्यशाली शहर है कि यहाँ मिनिमम साइज जो है 200 mm डाला जा रहा है। आपको जैसे मैंने अभी आगरा के एक्शन से भी बात करवा के दी, आपने भी देखा उन्होंने 150 mm डाला है। तो और लाइन जो डाली जाती है उसके कई फैक्टर रहते हैं। एक तो सारा कलेक्टिव लोड लिया जाता है, कहां से जितना कलेक्ट हो रहा है, नंबर दो बाद उसके बाद एक फैक्टर रहता है मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी, तीसरा रहता है स्लोप, किस स्लोप पे डाला जा रहा है। बीते 2 सप्ताह से जिले के आवास विकास कॉलोनी के लोग व जल निगम के अधिकारी आमने सामने हैं। मामला सीवर लाइन डालने का है। स्थानीय लोगों ने पड़ रहे सीवर लाइन के काम को रुकवा दिया था। आरोप था कि पाइप लाइन जो डाली जा रही है वो पतली है और आने वाले समय में जब ये चालू होगी तो ओवरफ्लो करेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन से शिकायत भी की गई थी। वहीं जल निगम विभाग के अधिकारी इस काम को मानक के अनुरूप कराया जाना बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर गहरी सीवर लाइन का काम कब तक शुरू हो पाता है। वीरेंद्र पांडे, ईटीवी भारत, एटा।